ओम शांति। आज की तारीख है 22/7/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। जब सृष्टि पर आते हैं तो हम बच्चों को जो मीठी मधुर शिक्षाएं देते हैं तो हमारे संबंधों में भी पवित्रता लाते हैं। तो बाबा आज हमें संबंधों के विषय में क्या समझाते हैं, आइए सुनते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविलाइज बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, यानी रोज का दैनिक चार्ट हम रखें, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, यानी रूहानी नशा चढ़ा हुआ हो, ताकि खुशी भी रहे और अवस्था भी हमारी इस दुनिया से उठी हुई हो। नंबर दो है, काल सिर पर खड़ा है, मौत सिर पर मंडरा रहा हो, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर किसी भी कार्य को नहीं छोड़ना है। वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। अक्सर हम मनुष्य आत्माओं को जब कोई विशेष बीमारी होती है तो बुद्धि का योग बार बार उस बीमारी की ओर खींचा चला जाता है। यदि हमें शोल्डर में दर्द है तो बार बार बुद्धि हमारी शोल्डर के तरफ जाती है। यदि सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है या कमर में दर्द है तो जहाँ दर्द होता है वहाँ बुद्धि बार बार खींची चली जाती है। तो बाबा कहते हैं कि कहीं भी बुद्धि हमारी आसक्त हो करके बाबा को भूले नहीं और उसी दर्द को या बीमारी को बार बार वर्णन न करें, याद न करें। मीठे मीठे बाप दादा आगे कहते हैं कि तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसीलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 90% बीमारी मन की होती है, 10% बीमारी शरीर की होती है। तो हम मन पर शरीर की बीमारी इतनी ले लेते हैं कि हमें लगता है बस हम बीमार हैं, बीमार हैं। तो हमारी स्थिति भी बीमारियों की तरह, बीमार की तरह उदास जैसी और दुखी जैसी और उतरी हुई रहती है। तो बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस रहेंगे तो बीमारी कॉन्शियस नहीं रहेंगे।
तो इसीलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी भी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतु करो। कई कोई कड़ी बीमारी का नाम सुनते हैं कि इनको कैंसर हो गया है, क्या यहाँ का कैंसर है, वहाँ का कैंसर है, तो घबरा जाते हैं, समझते हैं अभी हमारी जिंदगी पूरी हो गई। परंतु बाबा कहते हैं यदि दवाई से वो ठीक हो सकता है तो वो यत्न करनी चाहिए, और अगर दवाई से ठीक होने वाला कैंसर नहीं है तो खुशी खुशी से बाबा की याद में उस हिसाब किताब को भी चुकतु करने का यत्न करना चाहिए। स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.